ओके, तो आज हम लोग नाउ लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कि WH ऑर्डेन की लिखी हुई है कि समरी सीखेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह चलिए आज मैं कुछ आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की समरी। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। हो छम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, नीले नीले अंबर पर। थैंक यू। देखिए मैं कुछ सुनाता हूँ, अगर इससे आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हैं, मैं इसे नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होता रहे और साथ में पढ़ाई भी होता रहे। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की समरी। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय WH ऑर्डेन। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑर्डेन की लिखी हुई कविता है। WH ऑर्डेन वॉज बॉर्न इन 1907 एंड डाइड इन 1973। मतलब WH ऑर्डेन का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में। ये सब बातें आप याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जरूर ये सब पूछा जाता है। इन दिस पोएम ऑर्डेन सेज दैट सफरिंग एंड डिजीजेस मेक ह्यूमन लाइफ मिजरेबल। इस कविता में ऑर्डेन साहब कहते हैं कि कष्ट, दुखी, मुसीबत और बीमारी इंसान के जीवन को बहुत दयनीय बना देता है। मिजरेबल मिस क्या होता है? दयनीय। सफरिंग मिस कष्ट, दर्द, और डिजीज मिस बीमारी। आगे बढ़ें। ऑल द प्रैम्स, यहाँ पे एक वर्ड आया प्रैम्स। प्रैम्स मिस मैं बता दूँ, प्रैम्स का अर्थ होता है बच्चों का वाहन, यानी चार चक्के वाली बच्चों का वाहन जिससे बच्चे खेलते हैं या चलते हैं। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव्स, और ये सारे वाहन, ये सुविधाएं सब ग्रेव्स, ग्रेव्स मिस क्या होता है? कब्र, यानी कब्र में चली गई है, यानी विनाश की ओर चली गई है। ओल्ड पर्सन्स फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, और बुज़ुर्ग लोग यानी पुराने व्यक्ति लोग, बुज़ुर्ग लोग, बूढ़े लोग अकेलापन महसूस करने लगे हैं जैसे जैसे वह धीरे धीरे वह इनएक्टिव होते चले जा रहे हैं, यानी शिथिल पड़ते जा रहे हैं। उम्र का तकाजा होते ही उम्र बढ़ने पर लोग बूढ़े होने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी क्रियाशीलता घटती चली जाती है। द प्रोमिसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का अर्थ होता है धोखा। जितने भी प्रोमिसेस हैं, वादे हैं, कस्में हैं, वो सब अक्सर एक धोखा होता है। स्टारवेशन, स्टारवेशन मिस होता है भूख से मरना। स्टारवेशन एंड डिजीजेज डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। भूखमरी
और बीमारी इंसान के जीवन की रूपरेखा को तैयार नहीं कर सकती है, उसके चरित्र को नहीं आंक सकती है। विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स यहाँ पे मैसेंजर ऑफ डेथ को कहा गया है। विस्परिंग नेबर्स वर्ड यूज़ किया गया है पोएम में, जिसका अर्थ होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी यमराज आप कह सकते हैं। तो विस्परिंग नेबर्स मैसेंजर्स ऑफ डेथ इज प्रेजेंट एवरीवेयर टू टेक लाइव्स, और हर जगह मौत का सौदागर यानी मौत का संवादक या मौत का दूत तैयार है जिंदगी को लेने के लिए। डेथ इज बीटर ट्रूथ बट नोबडी एक्सेप्ट्स इट, मौत एक कड़वा सच है लेकिन कोई इसे स्वीकार नहीं करता है। लोग इस तरह से जीते हैं जैसे कि वह कभी मरेंगे ही नहीं, और छोटी छोटी बात, छोटी छोटी जगह जमीन के लिए जान पे उतर आते हैं। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, ट्रेवलर्स यानी पासरबाई यात्रीगण झरनों से गिरते हुए, पहाड़ के ऊपर से गिरते हुए झरने में एक आराम सा महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा और वहाँ का नज़ारा उन्हें बहुत सुकून देता है। ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड बाय इंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी, और ट्रेवलर्स मतलब हमारा जीवन, हम इंसान इस प्रकृति के साथ जुड़ करके प्रकृति का सुंदरता का आनंद ले करके अपने आप को ब्लेस्ड कर सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने आप को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो प्रकृति से जब हम जुड़े रहेंगे तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हमारा भी शरीर प्रकृति से तालमेल मिला करके चलने लगेगा, और हम स्वस्थ और हेल्दी और प्रसन्न और आनंद रहेंगे। द पोएट यूज्ड द वर्ड प्रैम्स मीन्स अ फोर व्हील्ड बेबी कैरेज, कवि ने अपनी कविता में एक वर्ड यूज़ किया है प्रैम्स, जिसका अर्थ होता है ए फोर व्हील्ड बेबी कैरेज, बच्चों को ढोने वाला चार चक्का वाहन, याद रखिएगा ये बात। द वर्ड ट्रॉल्स मीन्स विक्ड क्रिएचर्स, और कविता में कवि ने एक वर्ड यूज़ किया है ट्रॉल्स, जिसका अर्थ होता है विक्ड क्रिएचर्स, विक्ड मीन्स दुष्ट, क्रिएचर्स मीन्स जीव, विक्ड क्रिएचर्स यानी दुष्ट जीव। The word last distress means end of life, कवि ने last distress word का भी अपने कविता में use किया है, जिसका अर्थ होता है end of life, जीवन का समापन। The leaves are falling fast suggests arrival of old age, इस कविता का headline ही है कि leaves are falling fast, यानी पत्ते पेड़ों से तेज़ी से गिर रहे हैं, यानी पे कवि कहना कुछ चाह रहे हैं, आप समझ कुछ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कवि जो कहना चाहता है उसको तो असल में कवि ही समझ सकता है, लेकिन हम भी समझने की कोशिश करें तो कुछ हद तक समझ सकते हैं। कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान का ज़िंदगी बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है, और लोग जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, और उनकी इच्छाएँ धरी की धरी रह जाती है। तो ज़िंदगी किस रफ्तार से गुजर रही है और उस बीच क्या बातें हो रही है इंसानों के साथ, वो सारी चीज़ों का बखान कवि अपनी इस कविता में करता है। ओके थैंक यू बच्चों, तो ये था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की समरी। इस वीडियो को अगर आप 3 बार देखेंगे तभी आपको समझ आएगा पूरा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो से जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप कल रेडी रहेंगे, और जिस तरह से आप लाइव क्लास में आंसर देते हैं उसी तरह से आप देते रहेंगे, और हम आप मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Thank you.